ये हम बेलाराट में हैं। यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया डे है, इसका सेलिब्रेशन बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है और यहीं पर एक विंटेज कार का भी शो हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सन 1908 से अभी तक की कारें किस तरह की उनकी बनावट होती थी, किस तरह का मेक होता था, किस तरह का लुक होता था, इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए ये है विंटेज कार, जिसका इंजन देखिए कार का इंजन, ये मॉडल देखिए 1976 विक्टोरिया का इसका नंबर है। लेकिन ये जो कार बनी हुई है और भी पुरानी है, इसका इंजन देखिए आप, अभी भी पूरी तरीके से ये कार अभी तो वर्किंग कंडीशन में है और इंजन में भी कहीं कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है। तो विंटेज कार को भी यहाँ पर काफ़ी मतलब जतन के साथ में रखा जाता है और ये यहाँ पे काफी लोगों की हॉबी भी है। कार देखिए आप, इसका पूरा विवरण भी दिया हुआ है। ये 1966 में बनी हुई है, इसका मेक रोवर है और ये मॉडल इस पे लिखा है P5 Mark III। ideal cruising speed is about 40 miles an hour. That's what they made. And it's got mechanical brakes. So you've just got to keep it. Whether parts are available right now? Parts of the car, the engine. Yeah. The parts if something goes wrong with well, the engine. Well, there's an agent in Wodonga itself, and there's one in Bacchus Marsh, Darling, Bacchus Marsh. But you can source parts they can source parts from the States. There's firms like Bratton and Snyder's, there's plenty of spare parts, yeah. Which I used to go there direct one time, but since these taxation regulations, you've got to go through an agent. If you've got a manual, a workshop catalogue, that you can pinpoint every part, and they'll explain to you what that part fits if you want even aftermarket. Whether you use it in city also or just for... Sorry? You use this car in city sometimes or... Yeah, I use it for vintage car shows only. Try to use it once every fortnight. Neville. Yeah. And it's fine. Nice meeting. And thank you. What's your name again? I'm Prakash Sharma from India. From India. Well, pleased to meet you. ये मुझे एक यूनिक शेप लगा, ये कार देखिए आप, पूरा इसका शेप वाकई में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही काफ़ी मतलब सालों पुराना इसका प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई कार दिख रही है। इसका शेप जो है वो जो नावें चलती है अलग अलग तरीके की, उस तरह का कुछ शेप दिख रहा है। और इसका खूबी यहाँ पर विंटेज कार्स की यही है कि बहुत ही मेंटेनेंस बहुत शानदार ढंग से किया गया था।
आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस लाइक करते रहिए। आई रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।